अब उसे छोड़ो भी, मैं सॉरी कह रहा हूँ। शट अप, मैं कोई स्कूल की बच्ची नहीं हूँ, तुम मुझे ये टेडी बेयर देके मना लोगे? आई वॉन्ट टू नो कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं है, अदरवाइज अगला कॉफी का कप तुम्हारे मुंह पे देके मारूं। बट डाली, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी लाइफ में और कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। अब क्या पेपर में लिख कर दूं? आई डोंट बिलीव। अच्छा, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम जरूर मान जाओगे। ये देखो, सिर्फ तुम्हारे लिए पूरे 6 महीने की पॉकेट मनी बचाकर ये डायमंड रिंग लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। I'm so sorry. वो सॉरी। इट्स ओके। हर लड़की तुम्हीं से आके टकराती है और तुम मेरे आगे सीधे बनते हो। सुनैना, सुनो तो बाबू, सुनैना। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। कब तक आप लोग गुंडे, बदमाश और अपराधियों के पीछे भागते रहेंगे? कब तक उन्हें पकड़ने के लिए अपना पसीना बहाते रहेंगे? क्या आप लोगों को हक नहीं है कि आप 5-स्टार के एसी रूम में रहने का, हवाई जहाज में घूमने का, छुट्टियां बिताने का, आराम करने का? हाँ, बिल्कुल हक है, लेकिन छुट्टी देता कौन है? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं एसी पी सर से बात कर लूंगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरी बात कोई नहीं टालता। हाँ, आप बस ये बताइए कि आप कहाँ छुट्टियां मनाना चाहेंगे, शिमला, कुल्लू, मनाली, जयपुर, उदयपुर, या फिर जहां आप चाहें, देश के बाहर कहीं? हमारी कंपनी ने एक सीजनल ऑफर निकाला है जो कि सिर्फ आज के लिए है। वन डे ऑफर क्या है? अगर आप ये हॉलिडे प्लान बुक करते हैं तो वाइफ फ्री। अरे सर, मेरी तो निकल पड़ी। अरे नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। इसका मतलब है अगर कोई आदमी ये पैकेज लेता है तो उसके साथ उसकी वाइफ बिल्कुल फ्री होगी, समझे सर? मतलब उनके पैसे नहीं लगेंगे, वो फ्री में जाएंगी। अरे यार, ये मेरे को लगा हम वाइफ दे। क्या यार, ये अच्छा पैकेज नहीं है सर। सर आप जल्दी बताइए, मैं ये बुक कर दूं? सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए है ये ऑफर। एक मिनट, इसके लिए मुझे वाइफ से पूछना पड़ेगा। तो फिर जल्दी पूछिए, मुझे टचअप भी करना है। हेलो डार्लिंग। अरे नहीं, आलू टमाटर प्याज सब याद है मुझे। मैंने फोन इसलिए किया था कि कहीं घूमने चलोगी। देखो बात ऐसी है कि हनीमून में हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे ना, तो आज घूमने का मौका आया है। शिमला की ट्रिप है, 50% डिस्काउंट, आओगी हैं? नहीं, अरे सुनो, चाहिए सर, मुझे फोन दीजिए, मेरी कन्विंसिंग पावर से तो मेरे हस्बैंड तक कन्विंस हो जाते हैं। हेलो मैम, मैं मोहिनी। एक्चुअली हमारी कंपनी ने आपकी छुट्टियों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर निकाला है। अगर आप हमारा ये ऑफर लेती हैं तो आप एक डायमंड नेकलेस जीत सकती हैं, वो भी 5 लाख रुपए का। ओह, बुक कर दूं? ओके मैम, थैंक यू। अरे वाह, इतनी जल्दी मान गई? क्या हो रहा है? और आप कौन? हेलो सर, मैं मोहिनी। आपको याद है कुछ महीनों पहले आप लोग मेरे घर आए थे? अरे वही मोहल्ला जहाँ मैं वर्ल्ड फेमस हूँ। मेरे पति को ना पसंद नहीं है कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ करे तो। हाँ हाँ, याद आया मुझे, राय ने बताया था आपके और आपके हस्बैंड के बारे में। सच में दया जी ने मुझे याद किया? एक्चुअली डोंट माइंड, हाँ मैं यहाँ उन्हीं के लिए आई थी। बच गए। दया जी कहाँ है?
दया जी बाहर गए हैं, आज नहीं आएंगे। मुझे दया जी का एड्रेस दे दीजिए। वो किस लिए? ये हॉलिडे पैकेट उनके घर तक भिजवा दूंगी। देखिए उनकी चिंता आप मत कीजिए, ये ब्रोशर हमें दे दीजिए, हम उन तक पहुंचा देंगे बस। ओके बाय। छुट्टियों पे जाना है या सीआईडी में नौकरी करनी है? सॉरी इसे भी प्रतिमान है। हेलो सर, मैं अखिल बोल रहा हूँ, सर बचा लीजिए मुझे प्लीज सर। हेलो अखिल, अखिल कहाँ से बोल रहा? सर मरने से पहले मैं सीआईडी को कुछ बताना चाहता हूँ सर, सर प्लीज सर। अखिल अखिल देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, बताओ क्या बताना चाहते हो, जल्दी बोलो। अखिल अखिल क्या हो सर? कोई अखिल था, उसे हमारी मदद की बहुत जरूरत है। दरवाजा खुला है? ये फोन की लोकेशन तो यही है ना? जी सर, लेकिन यहाँ देख तो कोई भी नहीं रहा है। नहीं, अगर लोकेशन यही है तो फिर जरूर यहाँ कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पूरा घर ढूंढते रहे। सर घर की हालत देख के लगता है कि यहाँ पे हाथापाई हुई है या फिर किसी चीज को ढूंढा गया। लगता तो ऐसे ही है। और अखिल कहाँ है जिसने हमें बुलाया? अखिल सर, क्या आवाज? अखिल अखिल, अगर तुम यहाँ छुप के बैठे हो तो घबराओ नहीं, हम लोग सीआईडी से, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हमारी आवाज सुन रहे हो तुम? माय गॉड, ये अखिल है क्या? सासे चलिए निकालो से। संभल क्या? निकल पानी लियो। अखिल अखिल अखिल, तुम मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हम लोग सीआईडी से, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम अखिल हो? मैं अखिल हूँ। तुम्हारी हालत किसने की? तुम अंदर अलमारी के अंदर कैसे पहुंच गए? मैं अलमारी के अंदर छुप गया था ताकि वो लोग वापिस आके मुझे मारे नहीं। वो लोग कौन लोग हैं? वो कौन? वो अजय मेहरा। अजय मेहरा? उसके कौन? अजय मेहरा कौन है सर? उसने इसे मार क्यों दिया? दे, देखो इसकी जेब में मोबाइल वगैरह है क्या? मिल गया सर, अजय मेहरा। फोन लगाओ, घंटी बज रही है, उठा नहीं रहा सर। फोन उठा नहीं रहा है, ट्रेस करो इसका फोन, पता चल जाएगा वो है कहां पर और है कौन ये अजय मेहरा। हाँ हाँ, उस आदमी का नाम अजय मेहरा है, मैंने तुम्हें उसका नंबर भेज दिया है। इस अजय मेहरा की पूरी जानकारी मुझे चाहिए, ये कौन है, क्या करता है, किन किन लोगों के साथ इसका उठना बैठना है, पूरी डिटेल चाहिए। हाँ जल्दी से पता करके मुझे फोन करो। ओके ओके। Excuse me. से हथियार है, लगता कुछ होने वाला है। जयवंती,
इसका फोन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अंधेरी इसका ही लोकेशन दिखा रहा है या वहाँ से हिला भी है वो? नहीं सर, कोई मूवमेंट नहीं है, फोन उसी जगह दिखा रहा है। सर लगता है ये अजय मेहरा एक ही जगह रुक गया है। सर मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख के बताती हूँ आपको। ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कि वाकई में अजय ने इस अखिल को मारा है या कि मामला कुछ और है। कहीं ये अखिल इस अजय से किसी और तरह से जुड़ा हुआ तो नहीं? अजय मेहरा की इन्फॉर्मेशन आ गई। अजय मेहरा सत्यकाम अखबार का पत्रकार। सर मिल गया, अजय मेहरा इस वक्त जुहू के हॉटस्पॉट कॉफी शॉप में है। हॉटस्पॉट कॉफी शॉप? चलो जल्दी वहां पहुंचना होगा। Excuse me, Mr. अजय मेहरा कहाँ है? ये आप लोग कौन? CID. उधर। Mr. अजय मेहरा, आप कौन? Okay. Huh? Get up, get up. Get up. कौन हो तुम लोग और किसे मारना चाहते हो? हमें अजय मेहरा ने यहाँ भेजा था मालिनी को उड़ाने के लिए। क्या ये कहाँ गया? डर लगता है भाग गया। भाग गया? कोई बात नहीं, ये तो है, यही बताएगा ये मालिनी कौन है। सर ये रही मालिनी। तो है कौन ये और अजय मेरे से मारना क्यों चाहता है? मिला निखिल? नहीं सर। समझ में नहीं आता इस अखिल का खून हुआ क्यों? इतना सारा पैसा है, पूरा बैंक भर के पैसा है, ज्वेलरी, लेकिन किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। फिर क्यों, क्या वजह हो सकती है अखिल को मारने की? सर घर की हालत देख के लग रहा है कि हमलावर जरूर यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा था। पर क्या क्या खास चीज, कैसी खास चीज?
काम करते हैं, इस घर को फिर से अच्छी तरह से ढूंढते हैं। अखिल, क्या है तुम्हारे पास जिसकी वजह से इस अजय मेहरा ने तुम्हारा खून किया? सर ये देखो, लगता है इसके पीछे कुछ तो है। संभल के। पेंटिंग छुपा के रखा है कैबिनेट में। इधर निकल, इसे खोल के देखो। संभल के। कोई डायग्राम या कोई डिजाइन है? इसी की वजह से अखिल की जान चली गई। यही तो चाहता था अजय मेहरा। जरूर किसी चीज की डिजाइन है क्या? ठीक तो हो ना? मैं मानना नहीं चाहती, प्लीज प्लीज मुझे मत मानना। मैं तुम्हें यहाँ लिख रहा हूँ, तुम मेरे घर पे हो, तुम घबराओ मत। पर वो लोग कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? हाँ वो मुझे नहीं पता, आप ही तो मेरा पीछा कर रहे थे। नहीं, मैं तो किसी और का पीछा कर रहा था। अच्छा हुआ मैं वहाँ था, तुम्हें बचा कर ले आया। पर वो लोग थे कौन? सो सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई। तुम्हारे सिर पर काफी चोट लगी, चलो साथ में चलो। इधर सोने चांदी की कसम, इसे भी साहब मालूम कर किसी ने गोली चलाई कॉफी शॉप में। आप लोग मालिनी को लेकर नहीं आए साथ में? देखिए, सवाल पूछना हमारा काम है और जवाब देना आपका। सॉरी सर। मालिनी जू वाले कॉफी शॉप में अक्सर जाया करती थी, वहीं से हमें उसका नाम भी मिला। आप लोग सिर्फ हमें मालिनी के बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप लोग? हमें क्या पता, हम क्या बताएं? आप ऐसा कीजिए, सोने चांदी का भाव बता दीजिए। मजाक करने आए हम यहाँ पे, जोक मार रहे हैं? जितना पूछा जा रहा है उतना बताइए। हीरे मोती की कसम, क्या बेवकूफ पाला है मैंने यहाँ? सर ने मना किया ना सवाल पूछने के लिए। सर, मालिनी मेरे यहाँ पिछले एक साल से काम कर रही थी और वो बहुत ही सच्ची और मेहनती लड़की है। ऐसी लड़की को कौन मारना चाहेगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। जरा याद करो अच्छी तरह से, अपने दिमाग पर जोर डालो। क्या आप लोगों को मालिनी कभी परेशान लगी पिछले कुछ दिनों में? किसी बात को लेकर क्या वो परेशान थी या किसी का जिक्र किया था? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। जहाँ तक मुझे याद है,
मालिनी ने कभी कुछ ऐसा मुझे बताया नहीं और उसे देखकर कभी ऐसा लगा भी नहीं कि उसे कोई परेशानी थी। सारे सुनारों की कसम, याद आ गया। अरे आप कसम ही खाते रहेंगे या कुछ बताएंगे भी? परसों मालिनी का पर्स चोरी हुआ था, उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। सुनिधि भी तो साथ थी, पूछो सुनिधि से। सुनिधि बोलो, भूल गए क्या? जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं भूल गई थी। दरअसल मैं और मालिनी ट्रेन में साथ में सफर करते हैं, लोकल ट्रेन। आगे बताइए। परसों उसके साथ एक बहुत ही अजीब सा हादसा हुआ था ट्रेन में, उसका स्लिंग बैग चोरी हो गया था। मजे की बात यह है कि उस बैग के अंदर का जो भी सामान था वो वैसा का वैसा ही था, चोरी नहीं हुआ था। हम लोगों ने FIR भी दर्ज करवाया इसके लिए। बड़ी अजीब बात है, पर्स चोरी हो गई मगर पर्स के अंदर का सामान बिल्कुल वैसे के वैसा ही। और हाँ सर, ताज्जुब की बात यह है कि अगले दिन उसका बैग उसके घर के बाहर मिला, और वो भी अपने आप। और उसने खुशी के मारे हम दोनों को मुफ्त में चाय भी पिलाई। क्या, काम के वक्त पे चाय पी? मोती पन्ने की कसम, चाय के पैसे भी काटूंगा। मेरे काम की जगह पे काम चोरी? सर बड़ी ही अजीब बात है, किसी ने मालिनी का पर्स चुराया और वापस भी कर दिया। सर कोई ऐसा क्यों करेगा, कुछ तो निकालना होगा, कुछ तो होगा उस पर्स में ऐसा। हाँ सर, और मालिनी जैसी एक साधारण लड़की के पास ऐसी कौन सी कीमती चीज हो सकती है? कोई तो कीमती चीज है मालिनी के बैग में जो अजय चाहता है, और इसीलिए तो वो मालिनी के पीछे हाथ धो के पड़ा है। बस एक बार इस अखिल के घर में से जो हमें ब्लूप्रिंट मिली है ना, उसका राज खुल जाएगा ना, तो सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ। क्या हुआ, सिक्योरिटी कोड क्रैक हुआ? नहीं सर, पूरा मुंबई घुमा दिया इसने परफेक्ट पिज्जा के चक्कर में। क्या मजाक है, तुम पिज्जा खाने आए हो या ये कोड क्रैक करने के लिए? सर जब तक ये पिज्जा नहीं खाएगा ना, इसका दिमाग नहीं चलेगा। दिमाग पे बोझ बढ़ गया है तुम्हारे, समझे? ये जो बाल बड़े हैं ना, कम करो, थोड़ा हल्का हो जाएगा दिमाग। और अगर तुम्हें परफेक्ट पिज्जा खाने का इतना ही शौक है तो हमारे CID के पेंट्री में जाकर खुद बना लो और इन सबको खिलाओ, इसे भी। अगर पिज्जा पसंद नहीं आया ना, मेरा मतलब है परफेक्ट पिज्जा नहीं बना ना, जानते हो कहां जाओगे? जेल में, और वहां बैठ के चक्की पीसोगे तुम। नहीं, क्या बेकार में परफेक्ट पिज्जा लगा के मेरा दिमाग खराब कर रखा है, मैं यही खा लेता हूँ। चल गया दिमाग। ये ब्लूप्रिंट A+ कैटेगरी का सिक्योरिटी प्लान है। ये किसी ऐसी जगह लगा के रखते हैं जहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। आइए सर, मैं आपको 3D प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। ये देखिए, पासवर्ड XOKOIL891 डालते ही ये सिक्योरिटी सिस्टम ओपन हो जाता है। इस गैलरी से जाकर तिजोरी की माइक्रोचिप और पासवर्ड डालते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक गेट खुल जाएगा। इसके बाद आंखों की पुतलियों और हाथों की उंगलियों के निशान मैच होते ही इसका आखिरी गेट भी ओपन हो जाएगा। लीजिए, वॉल्ट आपके सामने है। ये तो बिल्कुल ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हाई एंड टेक्नोलॉजी है। इस सिस्टम को तो इतने आसानी से खोला ही नहीं जा सकता, और सर इसे कोई आसानी से बना भी नहीं सकता है। पर किसी ने तो ये सिस्टम बनाई है। हाँ सर, पूरे मुंबई में ऐसी सिर्फ दो कंपनियां हैं, एक JB सिक्योरिटी प्लान्स एंड दूसरा लॉकवुड सॉल्यूशन। JB सिक्योरिटी प्लान्स और लॉकवुड सॉल्यूशंस, तो इस सिक्योरिटी सिस्टम का राज इन दो कंपनी में से किसी एक में जाकर खुलेगा। ये लो, हैव सम सूप। कैसी हो, फीलिंग बेटर? देखो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे सब कुछ सच सच बता। सर मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन थे, मैं तो बस एक सीधी साधी लड़की हूँ, घर वापस जा रही थी काम से और अचानक ये सब हो गया। सच बताऊँ तो अब आपके घर से बाहर जाने में भी मुझे डर लग रहा है।
तुम लोग मेरे घर में कैसे घुस आए? ये कौन है? ये वरदान है। कॉफी शॉप में मैं इसी का इंतजार कर रहा था, फिर इसी का पीछा कर रहा था। तुम मेरे पीछे और मैं तुम्हारे पीछे, लो मैं खुद ही आ गया। तुम कॉफी शॉप में मेरा इंतजार कर रहे थे वो खबर छापने के लिए जिसे तुम अपने अखबार सत्यकाम में छापना चाहते हो। देख लिया था मैंने तुम्हें वहां बैठे थे। तो फिर तुम अपने इन गुंडों के साथ मुझे यहाँ डराने आए हो? तुम मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा। देखो लड़की को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। यस सर। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, आपके कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट के इंचार्ज से मिलना है हमें। वन मिनट सर, रायमा मैडम से कहिए सीआईडी उनसे मिलने आई है। मैम मीटिंग में है, अभी आ रही है। हेलो ऑफिसर्स, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रायमा जी, हमारे पास एक सिक्योरिटी वॉल्ट का डिजाइन है। ये डिजाइन हमने जीबी कंपनी को भी दिखाया, मगर जीबी वालों ने कहा कि ये डिजाइन उनका नहीं है। तब हमने सोचा कि अगर ये डिजाइन जीबी कंपनी का नहीं है तो फिर उतना ही अच्छा काम, उतना ही अच्छा डिजाइन सिर्फ लॉकवुड वाले ही कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। अगर आप लोग कहें तो आपके ब्यूरो के लिए भी एक सिक्योरिटी सिस्टम बना दें, काफी कॉन्फिडेंशियल काम होता है ऐसे भी आपके सीआईडी ब्यूरो में। क्यों सर? आइडिया तो अच्छी है, लेकिन फिलहाल हमें इस डिजाइन के बारे में बताइए ना। हाँ, ये तो मैंने ही डिजाइन किया हुआ है सर। XOKOIL891 ये तो एक्स सीरीज का है सर, जो ज्वेलरी की तिजोरी की सेफ्टी के लिए तैयार किया जाता है। सर, जेजे का शोरूम जहाँ पे मालिनी काम करती है वो भी तो एक गहनों का शोरूम है। रेमा जी, ये डिजाइन आपने किसके लिए बनवाया था? हाँ जी सर, मैं आपको अभी बताती हूँ। मेरी सारी क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास ही रहती है। सर, ये मैंने बनाया था किसी विश्व सुंदरी ज्वेलर्स के लिए, और इसका एड्रेस है पंचवटी जंक्शन रेल रोड। और हाँ, इसके क्लाइंट का नाम है मिस्टर जयप्रकाश। सर, जेजे का असली नाम जयप्रकाश है और उसके शोरूम का नाम भी विश्व सुंदरी ज्वेलर्स है। अगर ये डिजाइन किसी के हाथ में पड़ जाए तो बड़े आसानी से विश्व सुंदरी ज्वेलर्स के सिक्योरिटी वॉल्ट में घुस कर सारा सुपड़ा साफ कर सकता है, किसी को कानों का खबर तक नहीं पहुंची। पर सर, वहां तो कोई चोरी हुई नहीं है, फिर ये सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट। तो यही बात होगी, अजय मेहरा इस सिक्योरिटी वॉल्ट प्रिंट के लिए अखिल के पास गया। जब उसे ये डिजाइन अखिल के पास नहीं मिली तो वो पीछे पड़ा मालिनी के। सर, लेकिन हमने ये ब्लूप्रिंट की कॉपी तो ऑलरेडी ऑनर को दे दी थी। तो क्या रायमा जी, ये ब्लूप्रिंट के डिजाइन, इसकी कॉपी मेरा मतलब है, क्या और भी कोई ले जा सकता है? हाँ बिल्कुल ले जा सकता है सर, अगर वो ऑथराइज्ड पर्सन से लेटर लेकर आए तो। शायद कोई लेकर गया भी हो। हाँ जी, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। जरा चेक करके बताइए प्लीज। यस मैम। दो दिन पहले कोई आया तो था विश्व सुंदरी ज्वेलर्स से। कौन आया था? जी, कोई मिस सुनिधि करके थी। सुनिधि? विश्व सुंदरी ज्वेलर्स की दुकान की एक सीधी साधी सेल्स गर्ल। अब ये सुनिधि हमें इस अजय मेहरा और मालिनी तक पहुंचाएगी।
हेलो, हाँ याकूब, आठ, हेलो बोलता हूँ, आठ, हाँ, बोले, बोला देखो आसपास तो लड़की का भाई साहब इस लड़की को यहाँ पे देखा है कहीं आसपास ये इस लड़की को देखा आपने सर सर वो लड़की तो अब तक कहीं दिखी नहीं कहीं ऐसा होता नहीं कि वो नहीं नहीं वो यही कहीं है अच्छा उसका मोबाइल का लोकेशन अभी भी यहीं पे दिखा रहा है ना हाँ सर यहीं पर है तो यहीं पे होगी ढूंढो से और घूंघट में जो लड़की बैठी है कहीं वो जी अपना चेहरा दिखाइए प्लीज क्यों कौन है आप देखिए हम सीआईडी से सॉरी अच्छा जब अकल लगानी ही थी तो थोड़े ठीक से लगाते हैं ये घाघरा चोली के साथ ये स्पोर्ट्स शू पहन के भाग रही हो तुम लॉकवुड से तुमने वो ब्लूप्रिंट चुरा के कुछ समय के लिए मालिनी के बैग में रख दिया और उसके बाद वो तुमने अखिल को दे दिया क्यों सही कह रहा हूं ना मैं सुनिधि क्यों किया तुमने ऐसा क्या प्लान क्या था तुम्हारा जेजे के यहां चोरी करना चाहती थी तुम है? नहीं अच्छा अजय मेहरा ने मुझसे कहा था कि लॉकवुड में जाकर मैं वो ब्लूप्रिंट उसे चुरा कर दूं। अजय मेहरा ने तुमसे ये सब करने के लिए कहा था हाँ तुम्हें मालूम है हमें वो ब्लूप्रिंट कहाँ मिला ए, बता कहाँ है वो कहाँ है
तुम ठीक हो? हाँ, आपने मेरी जान बचा ली। आज अगर आप नहीं होते तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होती। आप मेरी जिंदगी में बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह आए हो। मैं कोई फरिश्ता नहीं, ना ही मैंने तुम्हें बचाकर कोई एहसान किया है। मेरा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा? कैसा हिस्सा? वो बैग कहाँ है? कौन सी बैग? क्या बात है अजय मेहरा, तुमने तो पूरा मैदान ही साफ कर दिया। सर प्लीज मुझे बचा लो, ये आदमी है ना, ये मुझे मार देगा। मुझे इससे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए ना, बचा तो लेंगे हम तुम्हें, मगर हमारे हिस्से के हीरे तो दे दो। हीरे? आप ये क्या बोल रहे हो, कौन से हीरे? हाँ हीरे, एक काम करते हैं, तुम जो वो जेजे के हीरे जो लूटने वाली हो उसमें से 50% हमें दे दो, शायद सर मान जा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या बोल रहे हो, कौन से हीरे? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि एक अपराधी हो। मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, लेकिन तुम मेरे बारे में सब जानती हो। तुम? मिस्टर मेहरा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मुझे मार देगा। वो मैं वैसे वरदान मुझे मारने आया था, लेकिन वहां से तुम्हें उठा कर ले गया, क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग ये सब क्या बोल रहे हो? अगर तुम कुछ बताना नहीं चाहती तो सच्चाई ये बताएगी। मालिनी, मुझे माफ कर देना, मैंने इन लोगों को सब सच बता दिया है। क्यों मालिनी जी, तुम्हीं सुनिधि को कहा ना अजय का नाम लेने के लिए, क्यों ब्लूप्रिंट उसके पास है? मगर ब्लूप्रिंट्स अखिल के घर में मिली हमें। तुम्हें मालूम है हमें वो ब्लूप्रिंट कहाँ मिला? मुझे नहीं पता, पर अजय ने मुझसे कहा था, ये बात सच है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारा प्लान था क्या वैसे? मेरा क्या प्लान हो सकता है, अजय चाहता था ना कि ब्लूप्रिंट मैं उसे चुरा करके दूं, मैंने बस वही किया। तो तुमने वो ब्लूप्रिंट अजय को दे दिया? हाँ, मैंने उसे ब्लूप्रिंट दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे कैसे पता होगा? हमें पता है, हमें अजय मेहरा ने बताया कि उसने वो ब्लूप्रिंट देखा ही नहीं, उसके पास नहीं है। क्या झूठ बोल रहा है वो? मैंने ही तो उसे ब्लूप्रिंट लाके दिया था, ऐसे कैसे? सुनिधि, अगर तुमने वो ब्लूप्रिंट अजय मेहरा को दिया था तो वो ब्लूप्रिंट अखिल के घर में कैसे मिला? देखिए सर, वो ब्लूप्रिंट मैंने अजय को दे दिया, उसके बाद उसने उस ब्लूप्रिंट का क्या किया, किसे दिया, मैं कैसे बता सकती हूँ? आप लोग एक काम करिए ना, अजय से ही पूछिए, वो ही बताएगा ना। बता दियो। मालिनी, इससे साफ जाहिर है कि तुम अजय को बदनाम करना चाहती थी। क्यों मालिनी, सब समझ में आ गया, थोड़ा और समझा दे, चलो बोलो। हाँ, ये पूरा जाल मैंने ही बिछाया था ताकि मैं अखिल से पीछा छुड़ा सकूं और अजय को मुझ पर शक भी ना हो। मैं पिछले 6 महीने से डायमंड स्मगल कर रही हूँ। जी, जो एक डायमंड मर्चेंट है उसके दोस्त अखिल को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया, और अखिल ने मुझसे कहा कि वो मेरा भांडा फोड़ देगा, और अखिल का सबसे अच्छा दोस्त अजय मेरे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके मुझे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देगा। तुम जेल जाना नहीं चाहती थी, तुमने अखिल को इस तरह से मरवाया जिससे ये लगे कि अजय ने उसे मारा है। बिल्कुल, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। यहाँ बेचारा अखिल भी निकल लिया और अजय मेरे प्लान में फंस गया,
जो मुझे फंसाने चला था। सब कुछ परफेक्ट था। अजय वरदान का पीछा करते करते कॉफी शॉप आ चुका था और तुमने तब वो हैंडबैग का नाटक किया और गुंडों से अपने आप पर हमला करवाया उस कॉफी शॉप में, ताकि हमें लगे कि गुंडे तुम्हारे इस बैग के पीछे पड़े हैं। इसका मतलब है कॉफी शॉप में जो कुछ भी हुआ वो सब एक नाटक था। हाँ, मैं जानती थी कि अजय मेहरा मुझे उन गुंडों से जरूर बचाएंगे। पता नहीं थी तो एक चीज, सीआईडी वहां पहुंचेगी। और तभी तुम्हारा खेल खराब हो गया, क्योंकि वरदान। हाँ, वरदान लालची हो गया था। अब उसे मेरे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे हीरो में हिस्सा चाहिए था। हाँ, प्लान तो बहुत अच्छा था, पर अब क्या करें, अजय मेहरा ने तुम्हारा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब जेल में बैठकर अपने नाटक का क्लाइमैक्स ढूंढते बैठना। लेकिन तुम्हारे इस नाटक का क्लाइमैक्स होगा फांसी का फंदा। ले जाओ इन दोनों को। थैंक यू वेरी मच अजय मेहरा, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की। इसमें थैंक यू की क्या बात है सर, अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। और ये आप, आपकी पूरी टीम कर रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और तुम्हारे फिल्म के लिए, घायल वंस अगेन के लिए, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।